अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करता हूँ आप तमाम दोस्त साथ खैरियत से होंगे। एक और अपडेट के लिए मैं हाज़िर हूँ। जैसा कि आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक मोहल्ले गलियों में फुटपाथों पर से तजावीज़ात का खात्मा किया जा रहा है, और इस वक्त पीपल्स चौरंगी बफर जोन 15A में ये ऑपरेशन जारी है। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको यहाँ के तमाम मनाज़िर आपके साथ शेयर करूँगा। ये तमाम गैलरियाँ हैं जो काफ़ी चौड़ी बनाई गई थी, आपने पिछली वीडियो में भी देखा है, और ये ऑपरेशन काफ़ी लंबा ऑपरेशन है। पीपल चौरंगी से लेके नमक बैंक और उससे भी आगे तक ये ऑपरेशन किया जा रहा है। अभी समझ लें आपके बीच रास्ते में पहुँचे हैं। ये देखिए मशीन जो है तमाम गैलरियों को तोड़ रही है। इदारे इंक्रोचमेंट के तमाम इदारों के अफसरान मौजूद हैं, पुलिस एहलकार मौजूद हैं, और असिस्टेंट कमिश्नर कराची के दैर निगरानी ये ऑपरेशन जारी है। अब देख रही है कि इस तरह का ऑपरेशन और शहर के किन किन जगहों पर होता है, क्योंकि जैसे मैंने ज़िक्र किया कि कराची में 98% इंक्रोचमेंट कराची के हर इलाके में मौजूद है, तो उसके ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए और उनको भी क्लियर करना चाहिए। ये देखें गैलरियाँ कितनी चौड़ी गैलरियाँ हैं, मार्बल के फर्श भी लगाए गए, कहीं पे गार्डन बनाए गए, कार पार्किंग के लिए इतनी चौड़ी जगहें ली गई। अब इस रोड को, दोनों तरफ के रोड को नया बनाया जाएगा और चौड़ा किया जाएगा, जो मैंने मालूमात हासिल की है। तकरीबन ये पूरा इलाका पीपल चौरंगी से लेके नमक बैंक तक और उससे आगे 4 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, और तमाम एरिए में इसी तरीके से की इंक्रोचमेंट थी जिसे अब डिमोलिश किया जा रहा है, और इसके सामने वाली पट्टी पर भी ऑपरेशन शुरू किया जाएगा।
वहाँ पर भी इंक्रोचमेंट का खात्मा किया जाएगा। तो शहर के अंदर ये सबसे बड़ा इंक्रोचमेंट ऑपरेशन है। इंक्रोचमेंट के खिलाफ ये लैंड डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी साहब भी आए हुए हैं, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे। उनके साथ कामरान अली साहब हैं और साथ में अभी आपको दिखाऊंगा कि आगे कमिश्नर कराची भी यहीं पर ही हैं, जिनके निजेरी निगरानी ऑपरेशन जारी है। चौरंगी से लेके नमक बैंक तक इतनी ही चौड़ी चौड़ी गैलरियाँ थी, जिन्हें अब डिमोलिश करने का अमल शुरू कर दिया गया है। तो यहाँ से मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।